देख रहे बिस्मिल्लिया रहमान अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट क्लास टेन इस्लामियात का टीचर हाफिज नवीद और मेरे बच्चों आप लोग जानते हैं कि कल के लेक्चर में हमने सूरह अहजाब की आयत नंबर सात से लेकर चौदह तक मुकम्मल किया और मेरे बच्चों आज हम दो सवाल करने जा रहे हैं सवाल नंबर दो वजू का तरीका बयान करें सवाल नंबर तीन हुसल का तरीका बयान करें और मेरे बच्चों आप जानते हैं कि चैप्टर कौन सा है ये वाला तहारत वाला पहला मौजूदी मुताला पहला मौजूदती मुताला है सारे बच्चे पहला मौजूदती मुताला जो है ओपन कर लें मैं पढ़ाने के लिए जा रहा हूं मेरे बच्चों नोट्स का पेज नंबर जो है 119 सबसे पहले मेरे बच्चों हम वजू का तरीका बयान करें वजू का तरीका बयान करें हम आज पहले वजू सीखते हैं मेरे बच्चे आप खामोश रहें बूजू का तरीका बयान करें बूजू का तरीका बयान करें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मेरे बच्चों वजू का तरीका बयान करें मेरे बच्चों नमाज तलावत तलावते कुरान और दीगर इबादत के लिए मसनून तरीके के मुताबिक चेहरा दोनों हाथ सर का मसा और पाओ का पाओ को धोना वजू कहलाता है शरीयत के बताए हुए उसूलों के मुताबिक चेहरे को धोना और दोनों बाजुओं को कोने समेत धोना सर का मसा करना और दोनों पाओ को शरीयत के बताए हुए उसूलों के मुताबिक धोने को तहारत वजू कहते हैं और मेरे बच्चों वजू की अहमियत क्या है सबसे पहले वजू क्यों करना जरूरी होता है मेरे बच्चों नमाज नमाज से पहले वजू करना फर्ज है नमाज को अदा करने से पहले वजू करना फर्ज है बशर्त यह के जिसम और लबास भी पाक हो अगर जिसम जिसमो लबास पाक नहीं तो वजू से पहले गुसल करना फर्ज होता है मेरे बच्चों नमाज से पहले वजू करना फर्ज है उसके लिए शर्त ये है उसके लिए मेरे बच्चों शर्त ये है कि हमारा जिसम हमारा लबास पाक हो अगर जिसम और लबास पाक नहीं है तो हमें क्या करना है सबसे पहले मेरे बच्चों पहले गुसल करना है और लबास को पाक करना जरूरी है और मेरे बच्चों की आयत नंबर छे में अल्लाह तबारक इर्शाद फरमाते हैं यादीना आ मनु इदा कुम इलस सलात या यूहदीना आ इदा इधा

यामान वालो इदा कुम तो मिल सलात जब तुम नमाज के लिए खड़े होने लगो तो क्या करो फिर वजू हकुम फिरु तुम धो लो वजू हकुम अपने चेहरों को चेहरा मेरे बच्चों पिशानी से लेकर पिशानी के इन बालों से लेकर यहां से लेकर थोड़ी के नीचे तक इतने हिस्से को मेरे बच्चों चेहरा कहते हैं कान की एक लो से लेकर दूसरी लो तक ये जो सारा दुरानिया है इसको वज कहते हैं अरबी में तो अल्लाह फरमाते हैं तुम अपने चेहरों को धो लिया करो उसके बाद है मेरे बच्चों वहद मराफिक इमराफिक कहते हैं हाथों को मराफिक कहते हैं कोनियों को और तुम दोनों हाथों को कोनियों समेत धो लो और इसके बाद है मेरे बच्चों लफ्ज है वम सहू, म, और म, तुम मसा करो अपने सरों का तुम अपने सरों का मसा करो यानी हाथों को गीला करके क्यों ऊपर ले जाना है अब अर्जुल अर्जुल कहते हैं पाओ को व अर्जुल और तुम अपने दोनों पाओ को टखनों समेत धोलो तो मेरे बच्चों इस आयत के आयत से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अल्लाह तबारक ने वजू की कितनी अहमियत इस्लाम में रखी है इस आयत की रोशनी में वजू के दर्ज बयान हुए हैं कितने मेरे बच्चों वजू में यह एमसी क्यूज आ जाता है वुजु, वुजु के कितने फर्ज हैं वजू में कितनी बातें फर्ज हैं तो वजू में चार बातें फर्ज हैं तो वजू के कितने फराइज हुए मेरे बच्चों चार हुए। जैसे मैंने आयत का तर्जमा करते वक्त भी बता दिया था तो मेरे बच्चों का चौथा फर्ज, फर्ज दोनों पाओ को टखनो समेत दोना।, दोना फर्ज है देखिये मेरे बच्चों चेहरे को धोना पशानी के बालों से लेकर थोड़ी के नीचे तक कान की एक लेस लो से लेकर दूसरी लो तक धोना ये क्या है मेरे बच्चों फर्ज है कोनियों समेत बाजुओं का धोना दूसरा फर्ज है तीसरा फर्ज सर का मसा करना है और चौथा फर्ज तखनों समेत पाओ का धोना ये वुजू में चार बातें फर्ज हैं इसके अलावा वजू में जो चीज भी है वो सारी की सारी सुन्नतें हैं क्या है मेरे बच्चों वो सारी की सारी बातें सुनन हैं सुन्नत हैं अब आपको वजू का मसनून तरीका भी बता देते हैं कि हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू कैसे किया करते थे अब देखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करने से पहले बिस्मिल्लाम पढ़ते थे तो वजू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना मेरे बच्चों सुन्नत है इसके बाद मेरे बच्चों हर अजाय वजू को धोते हुए दर्जैल दुआ मांगे आप जो भी जब चेहरा दो रहे हैं बाजू दो रहे हैं पाओ दो रहे हैं तो आप अल्लाह से ये दुआ मांगा करें यह दुआ मांगना भी मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है दुआ क्या है मेरे बच्चो अल्ला मेरे बच्चों ईमान ताजा हो जाता है ए मेरे अल्लाह मेरे गुनाह माफ कर दे ए मेरे अल्लाह मेरे गुनाह माफ कर दे हम अल्लाह से क्या दुआ मांग रहे होते हैं ए मेरे अल्लाह मेरे गुनाह माफ कर दे मेरे घर में वसत दे दे गुनाहों की माफी भी मांग ली और घर में कुशादगी भी मांग ली और मेरे रिजक में बरकत आता फरमा और साथ अल्लाह से रिजक में बरकत की दुआ भी मांग ली और मेरे बच्चों उसके बाद अच्छी तरह हाथों को तीन बार धोना सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद इन हाथों को तीन बार अच्छे तरीके से वजू करने से पहले हमने धोना है ठीक है मेरे बच्चों दोनों हाथों को तीन बार धोएं तीन बार कूली करें तीन बार कुली करें और मेरे बच्चों मिसवाक करना भी सुन्नत है मिसवाक करना भी सुन्नत है अगर मिसवाक नहीं है तो ये जो शहादत वाली उंगली होती है इसके जरिए दांतों के ऊपर इसको इस उंगली के जरिए आप अपने दांतों को अच्छी अच्छे तरीके से मल लें ये भी हमारे प्यारे नबी सल्ला वसल्लम की सुन्नत है तीन बार नाक में अच्छी तरह पानी डालें और नाक को बाई हाथ की छोटी उंगली से अच्छी तरह साफ कर लें। ये जो बाया हाथ है इसके जरिए हम नाग में ये छोटी उंगली दाखिल करेंगे और इससे अपने नाक को अच्छे तरीके से साफ कर लेंगे ये ये भी मेरे बच्चों सुन्नत है और मेरे बच्चों चेहरे को पिशानी के बालों से लेकर थोड़ी के नीचे तक कान की एक लो से दूसरी लो तक अच्छी तरह तीन बार धोएं ये भी सुन्नत है यह तीन का लफ्ज़ बोल रहा हूं तीन बार धोना सुन्नत है तीन तीन बार धोना हर अजा वजू को सुन्नत है जिसकी दाढ़ी है दाढ़ी का खिलाल करना ये भी सुन्नत है पानी को यूं लिया चुल्लू बार उसको यू डालते हैं यू दोनों तरफ और यूं फिर उसके बाद इन हाथों को गीला करके दाढ़ी वाले लोग नीचे से क्यों करेंगे तो यह भी मेरे आकाद नूरे मुजस्म अलैहि सल्लाह वसल्लम की मेरे बच्चों सुन्नत है और मेरे बच्चों इसके बाद दोनों बाजुओं को दोनों बाजुओं को दोनों हाथों को कोनियों समेत यहां तक धोना ये भी सुन्नत है और तीन तीन बार धोना सु, सुन्नत है एक बात और बता दूं आप सब जानते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सबी हैं, जिनका नाम हजरत अबू हरेरा है क्या नाम है मेरे बच्चों हजरत अबू हरेरा हजरत अबू हरेरा यहां तक बाजुओं को दोया करते थे यहां तक एक मरतबा वो वजू कर रहे थे एक सबी ने देख लिया उसने कहा कि आप सुन्नत के खिलाफ करते हैं तो आपने फरमाया खुदा की कसम अगर मुझे इलम होता तो मैं यहां तक दोता कि आप देख रहे हैं कहा मैं इसलिए यहां तक हाथ धोता हूं बाजू धोता हूं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाम ने फरमाया कि उम्मत मोहम्मदिया के क्यामत के दिन अजाय वजू जो है वो चमक रहे होंगे जब वो क्यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे तो वजू के वो अजा जिनको वजू में धोया जाता है तो मेरी उम्मत के वो लोग जो वजू किया करते हैं उनके अजाय वजू वाले मकाम जो है वो रोशन होंगे और मैं इसलिए यहां तक बाजू धोता हूं हाथ धोता हूं ताकि मेरे सबसे ज्यादा अजाय वजू चमक रहे और ये उम्मत से अजाय दूर से पहचाने जाएंगे ये मोहम्मद अरबी सल्लम के आ रहे और मेरे बच्चों सर का मसा करें पूरे सर का मसा करना यह भी सुन्नत है अगर आप वजू किया एक हाथ को आपने यू कर दिया हनफियों के नजदीक सर का मसा हो जाता है और ये दोनों हाथों को गीला करने के बाद आप यू करें पीछे लेकर जाएं पीछे से फिर ये दाईं गु लेकर आए और कानों के अंदर ये शहादत वाली उंगली जो है उसको घुमा दें और अंगूठा जो है इसको इसके पीछे घुमा दें और हाथ की बैक वाली साइड जाएगी इसको गर्दन के ऊपर यू मस कर दें ये सर का सर का मसा करने का तरीका है पूरे सर का मसा करना ये सुन्नत है और मेरे बच्चों तखनों समेत दोनों पाओ को तीन तीन बार धोना सुन्नत है एक मरतबा धोना फर्ज है और तीन मरतबा धोना जो है वो सुन्नत है और ये सुन्नत तीन मरतबा धोने को सुन्नत क्यों कहा गया सुन्नत जो होती है मेरे बच्चों फर्ज की तकमील के लिए होती है ये बात जहन में रखना ये हम लोग जब मैं मदरसे में पढ़ाता था दरसे निजामी के बच्चों को तो ये बातें उनको हम लोग बताया करते थे फीका की किताब जब पढ़ाता था नूरुल इज़ा और कुदूरी भी मैंने पढ़ाई और वहां पे बच्चों को किताब तहारत में ये बातें हम सिखाते थे वहां पे बड़ी डिटेल के साथ लिखा हुआ है और मेरे बच्चों वजू करते वक्त ये ख्याल रखें के पहले जिसम का दाया हिस्सा जो है धोया जाए फिर बाया हिस्सा धोया जाए और वजू करने के बाद कलमाए शहादत पड़े कैसे अशहदू वाह मुहम्मदन वहम्म व रसूल इसके बाद ये दुआ मांगा करें जब आप वजू कर लें तो अल्लाह तो की बारगाह में दुआ मांगे अल्लाह من التوابين ويجعلني من المتطهرين इसका तर्जमा सुने मेरे बच्चों सुनिए अल्लाह मुझे तोबा करने वालों और पाक साफ रहने वालों में से बना दे और मेरे बच्चे बुजू करते वक्त कोई पहले से दोया हुआ हिस्सा खुशक ना हो जाए यानी आप बुजू कर रहे हैं ये ना हो कि आपने ये बुजू जो है दाया बाजू जो है धोया है और बाया बाजू धोने से पहले ये खुश्क हो जाए और इसका ख्याल रखा जाए और मेरे बच्चों इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है हुसल का तरीका बयान करें हुसल का तरीका बयान करें और मेरे बच्चों हुसल अरबी जबान का लफ्स है जिसका मतलब होता है धोना पानी बहा बहाकर मलना आम मानों में गसल से मुराद जो होता है मेरे बच्चों नहाना है अपने जिसम पर पानी डाल लेना अच्छे तरीके से और मल कर धो लेना इसको गसल कहते हैं लेकिन शरीयत ने इसका मफहम कुछ और तरीके से बताया है पकीज पकीजगी हासिल करने का वो जरिया है जो इस्लाम के बताए हुए उसूलों के मुताबिक किया जाए तो उसको गुसल कहते हैं और मेरे बच्चों अल्लाह ताला कुराने मुकदस में इर्शाद फरमाते हैं कुन तुम जुनुबन अगर नापाक हो जाओ तो नहा दो पाक साफ हो जाया करो मेरे बच्चों मर्द है या औरत है जब उसका जिसम नापाक हो जाए तो मेरे बच्चों हमने पहले जिसम का वो हिस्सा धोना होता है जहां पर वो नजासत लगी होती है उसको धोने के बाद शरीयत के बताए हुए उसूलों के मुताबिक कुली करना नाक में पानी डालना पूरे जिसम पर पानी बहा लेने को कहते हैं और मेरे बच्चों मोमिन की सिफात बयान करते हुए अल्लाह ताला तला मुकदस में इरशाद फरमाते हैं फीही अल्लाह फरमाते हैं और उनमें से ऐसे लोग हैं जो पाक साफ रहने को पसंद करते हैं और अल्लाह भी पाक साफ रहने वालों को पसंद करता है मैंने जब पहला क्वेश्चन पढ़ाया था कुरान और हदीस की रोशनी में तहारत वाला तो मैंने मेरे बच्चों आपको बताया था कि अल्लाह जमील उन बुहिबुल जमाल अल्लाह अल्लाह जमील उन अल्ला अल्लाह जमील।, अल्ला जमील है जमील का माना होता है खूबसूरत अल्लाह खूबसूरत है और खूबसूरती को पाक कर खूबसूरती को पसंद करते हैं और मेरे बच्चों मैंने वहां पे पहले लेक्चर में ये भी आपको बताया था कि मैंने आपको मेरे बच्चों वहां ये बात बताई थी कि आठवें पारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कुल मन हर रमा जीती पैगम्बर फरमा दीजिए कि हमने कब जेबो जीनत को हराम किया है यानी अपने आप को पाक साफ रखना खूबसूरत बनाना अल्लाह ने इसको हराम करार नहीं दिया क्योंकि मैंने हदीस भी आपको बता दी है अल्लाह जमील उन बुहबुल जमाल अल्लाह खूबसूरत है और वो खूबसूरती को पसंद करते हैं तो मेरे बच्चों हमने अपने रबास को भी अच्छा रखना है अपने जिसम को भी पाक साफ रखना है मैंने वहां पे आपको ये भी एक हदीस सुनाई थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो कपड़े जेबे तन किए होते इन पर पेवंत तो लगा हुआ हो सकता था लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े मुबारक जो थे गंदे नहीं होते थे मैंने उस दिन आपको यह भी मेरे बच्चों साथ बताया था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिसमे अतहर पर यह गंदी मक्खी नहीं बैठती थी ये नबुवत का खासा है ये किसी और का खासा नहीं है तो मेरे बच्चों अल्लाह पाक साफ रहने वालों को पसंद करते हैं अब देखें अगर जिसम नापाक हो तो वजू से पहले गुसल करना वाजिब है अगर हमारा जिसम नापाक है तो गुसल करना मेरे बच्चों वजू से पहले फर्ज हो जाता है अगर गुसल ना किया जाए तो इंसान गुनागार रहता है और कोई भी इबादत कबूल नहीं रह होती और मेरे बच्चों यहाँ पे जरा गौर करें अगर गुसल ना किया जाए तो इंसान गुनागार रहता है इसका क्या मतलब हुआ मेरे बच्चों सबसे पहले जब इंसान पर गसल वाजिब हो जाता है तो उसको जल्द गुसल करने में जल्दी करनी चाहिए अब मेरे बच्चों ये, ये मैंने लफ्ज इसलिए बोला है ताकि आप लोगों को एक उसूल की बात बताने लगा हूं एक उसूल की बात बताने लगा हूं वो उसूल क्या है अगर मेरे बच्चों मेरा या किसी का भी किसी इंसान का जिसम जो है वो नापाक है गंदा है और उसी हालत में इंसान को मौत आ जाए मौत आ जाए तो हम अपने रब के हजूर जा रहे हैं या आप एक ऐसी कंट्री में हैं जहां काफिर ही काफर हैं, चंद एक मुसलमान हैं, कील कील मुसलमान हैं, आप ऐसी नॉन मुस्लिम कंट्री में हैं, अगर जिसम नापाक है तो मेरे बच्चों हमें मौत आ गई उस इंसान को मौत आ गई उस मुसलमान को मौत आ गई और उसको वैसी कबर में दफना दिया जाता है तो फिर तो इसलिए मेरे बच्चों जब इंसान का जिसम नपाक हो जाए तो गुसल करने में हमें जल्दी करनी चाहिए हुसल <coughs> के फराइज मेरे बच्चों हुसल में तीन बातें फर्ज हैं गुसल में तीन बातें फर्ज हैं के तीन फराइज हैं गसल के तीन फराइज हैं आप जानते हैं कि सबसे पहले गुसल का पहला फर्ज है पुल करना इस तरह पानी हलक तक पहुंच जाए जिसको हम गरगरा कहते हैं गरारा कहते हैं या गरगरा कहते हैं हमने मुंह में पानी डालना है और हलक तक तीन मरतबा पानी को पहुंचाना है इसका दूसरा फर्ज है मेरे बच्चों नाक में पानी डालना जहां तक मुमकिन हो पानी आगे तक ले जाए आप चुल्लू में पानी लें नाक में डालें नाक की ये नरम हड्डी तक आपने पानी को पहुंचाना है ये गसल का दूसरा फर्ज है तीसरा फर्ज मेरे बच्चों सारे बदन पर पानी बहाना ताकि बाल बराबर भी कोई जगह खुश्क ना रह जाए बालों की जड़ों और नाखनों के अंदर भी पानी पहुंचाना जरूरी है ये जो हम ये फीमेल के लिए है कि ये नाखून पर हम नेल पॉलिश लगा लेते हैं औरतें फीमेल जो होती हैं यहाँ पे वो नेल पॉलिश लगा लेती हैं और उसके नीचे पानी नहीं जाता नाखून के ऊपर जो पॉलिश लगा ली जाती है उससे पानी नाखून की जिल्द को नहीं छूता और जब पानी नीचे नहीं जाता तो इंसान का जिसम जो होता है वो पाक नहीं होता इसमें बाल बराबर जिसम का कोई हिस्सा खुश्क नहीं रहना चाहिए अगर जिसम का कोई हिस्सा खुश्क रह गया तो गुसल का तीसरा फर्ज मुकम्मल नहीं हुआ तो आपका गुसल मुकम्मल नहीं होगा आपका जिसम मेरे बच्चों नापाक रहेगा गुसल करने का मसनून तरीका और मेरे बच्चों जिस तरह हमने वजू के वजू का मशनून तरीका पड़ा इसी तरह गुसल करने का मशनून तरीका है मेरे बच्चों गसल करने से पहले गुसल करने से पहले जरूरी है जिसम का वो हिस्सा जो गंदा है सबसे पहले उसको धोया जाए गुसल करने के लिए आप गुसल खाने गए हैं तो सबसे पहले ये दोनों हाथों को धोएंगे कलाइयों तक तक दोनों हाथों को धोएंगे उसके बाद मेरे बच्चों आप लोगों ने क्या करना है जिसम का वो हिस्सा जहां पे लगी हुई है आपने जिसम के उस हिस्से को अच्छे तरीके से धो लेना है जिसम के उस हिस्से को हमने अच्छे तरीके से धो लेना है और उसके बाद मेरे बच्चों वजू कर लेना बेहतर है अगर आप गंदगी को धो लें उसके बाद आप वजू कर लें ये बेहतर है और मेरे बच्चों वगरना तीन बार इस तरह कूली करना कि पानी मेरे बच्चों हलक तक पहुंच जाए और नाक में पानी तीन बार डालना जहां तक मुमकिन हो पानी पहुंचाए जैसे मैंने फराइज में बताया कि ये नाक की नरम हड्डी तक आप पानी को पहुंचाने की कोशिश करें <coughs> उसके बाद मेरे बच्चों सर में पानी डालिए उसे बालों की जड़ों तक पहुंचाएं फीमेल के बाल बड़े होते हैं वो सर पे पानी डालें और उसको यू यूं करें अच्छे तरीके से पानी नीचे चला जाए और जिसकी मेंढिये हैं बाद मर्द भी मेढिये बना लेते हैं तो मेरे बच्चों उनके लिए हुक्म भी है कि बालों को अच्छे तरीके तक बालों की जड़ तक वो पानी पहुंचाएं और मेरे बच्चों इसके बाद पूरे जिसम पर तीन बार पानी बहाया जाए और जिसम को अच्छी तरह मल साफ कर लिया जाए और गुसल करने से पहले जब आप पानी जिसम पर डालने लगे तीन बार दाएं कंधे पर पानी डालें फिर बाएं कंधे पर पानी डालें और तीन बार सर पे पानी डालें और पूरे जिसम पर पानी अच्छे तरीके से बहा लें कि बाल बराबर जिसम का कोई हिस्सा खुश्क ना रहे <coughs> गुसल में जिसम पर एक मरतबा पानी बहाना फर्ज है जबकि तीन मरतबा पानी बहाना सुन्नत है और गुसल के मसनून मौके कौन से हैं कि किन मौकों पर गुसल करना मेरे बच्चों सुन्नत है किन मौकों पर गुसल करना सुन्नत है जुमे के दिन गुसल करना सुन्नत है जुमे के दिन गुसल करना मसनून है सुन्नत है और मेरे बच्चों ईदेन पर गुसल करना सुन्नत है अभी कुर्बानी वाली ईद आ रही है ना उस दिन गुसल करना भी सुन्नत है उमरा और हज के लिए एहराम बांधना सुन्नत है योम अरफा यानी हज वाले दिन गुसल करना बाज कहते मुस्तहब है बाज कहते हैं सुन्नत है यहाँ पे एक और बात बता दू <coughs> ये हिंदुस्तान के मुसलमान जो है ना मेरे बच्चों, ये हिंदुस्तान के मुसलमान जब पाकिस्तान वजूद में नहीं आया था तो हिंदुस्तान के मुसलमान जो थे ये हज वाले दिन सख्त सर्दी में नहा होते तो उनसे पूछा जाता आप इतनी सख्त सख्त सर्दी में क्यों नहा रहे हैं वो कहते हैं हम हज हज नहा रहे हैं क्योंकि हमारे बड़े जो थे वो हिंदुओं के साथ रहते रहे हिंदुओं का नजरिया है गंगा आपने मूवीज में भी देखा होगा कि उनका एक नजरिया है उनका अकीदा है हिंदुओं का कि दरिया गंगा में जो बंदा नहा लेता है डुबकी लगा लेता है वो गुनाहों से पाक हो जाता है इसी तरह क्रिश्चन में है क्रिश्चन में यह बात है कि जब बंदा ले, ले उनका उनका जो 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 चर्च होता है, जो उनका फादर पादरी जो होता है, है, फादर पादरी जर्द रंग का पानी जो होता है उसमें वो एक डुबकी लगा ले तो उसको एक वो सर्टिफिकेट दे देता है कि ये बंदा गुनाहों से पाप हो गया तो मुसलमानों का भी वही नजरिया था क्योंकि इन हिंदुजम के लोगों के साथ रहते थे वो हाज वाले दिन नहाते और कहते कि हमने हज नहा लिया है तो लिहाजा हम आज गुनाहों से पाक हो गए हैं ये कोई तस्वर नहीं है मैं आप में एक हदीस पढ़ चुके हैं कि हाजी की जब पहली नजर बैतुल्ला शरीफ पर पड़ती है उसके तमाम गुना माफ हो जाते हैं ये मुसलमान है हकीकत है और ये मेरे और आपके प्यारे रसूल सल्लाम का फरमान है हा... हाज के दिन नहाना सुन्नत है या मुताब है इसमें कराम के दरमियान इख्तलाफ है हम उस तरफ नहीं जाना चाहते और मेरे बच्चों इनके अलावा नपाकी की कुछ सूरतें ऐसी हैं जिनमें गुसल वाजिब है मसलन हौसले जनाबत हौसले जनाबत शादीशुदो शादीशुदा जोड़ों का गुसल करना यानी मियाँ बीवी के जो एक दूसरे पर राइट होते हैं एक दूसरे के हक जोजियत अदा करने के बाद मैं एक मुख्तसर सा लफ्ज बोल देता हूं हक जोजियत अदा करने के बाद गुसल करना वाजिब होता है अगर इस हालत में गसल ना किया गया तो इंसान गुनागार रहेगा उसकी इबादत कबूल नहीं होगी और इसके साथ मेरे बच्चों बदखाबी की सूरत में इंसान के जिसम पर निजासत के जब असरात मरतब होते हैं तो फिर भी गुसल करना वाजिब होता है और एक चीज औरतों के साथ रिलेटेड है मेरे बच्चों इस ये जरूरियात दीन बता रहा हूँ ये बातें जो मैं आपसे कर रहा हूँ ये जरूरियात दीन है इनका सीखना हम पर हम सब पर लाजिम है तो मेरे बच्चों औरत के साथ उसके अयाम मखसूसा जो होते हैं अयाम मखसूसा औरत के जो होते हैं उनके बादसल करना औरत पर फर्ज होता है और जब किसी माँ बहन बेटी के यहाँ बच्चे की विरादत होती है और तकरीबन 40 दिन के बाद औरत पर गुसल करना फर्ज हो फर्ज हो जाता है 40 दिन के बाद 40 दिन तक औरत जो होती है बच्चे की विलादत के बाद 40 दिन तक तकरीबन नपाक रहती है तो उसके बाद भी गुसल करना वाजिब होता है गुसल के आदाब क्या है मेरे बच्चों जिनका जानना बेहद जरूरी है मैं और आप गुसल जब होते हैं आप हम लोग हम में से कोई भी जब नहारा होता है तो हम गुनगुना रहे होते हैं और आपके इनम में होना चाहिए जब इंसान अपने गौसलखाने में दाखिल होता है ये जो करामन कातिबीन दो फरिश्ते होते हैं ये इंसान से जुदा हो जाते हैं और जब इंसान बोलता है वो वापस लौटते हैं और जब वो देखते हैं कि इंसान बढ़ाना है तो वो मेरे बच्चों उस पर लानत कर रहे होते हैं इसलिए हमें जब हम गौसलखाने हों तो वहां पर गुनगुनाए ना ना कोई बात करें हतुल इमकान हमें कोशिश करने की चाहिए कि किसी सूरत में हमने कोई बात नहीं करनी पानी एतदाल से इस्तेमाल करें पानी को हमने एतदाल से इस्तेमाल करना है पर्दे में नहाना चाहिए गसल खाना मैसर ना हो तो मर्द के लिए जरूरी है कि जिसम के सतर वाले हिस्से पर कपड़ा बांध ले मगर औरत के लिए मुकम्मल पर्दा जरूरी है और मेरे बच्चों अगर कोई आदमी गसल कर रहा है और पर्दा नहीं है तो नाप से लेकर घुटनों तक मर्द जो है जिसम के इस हिस्से को ढांप ले और औरत जो है सर से लेकर पाओं तक अपने जिसम को ढाम कर ही नहाएगी अगर गुसल खाना अवेलेबल नहीं है गुसल वक्त करते वक्त बातें करना गुनगुनाना और फजूल पानी जाया करने से इजतनाब करना चाहिए तहारत के फायदे क्या होते हैं इसके बेनिफिट्स क्या है मेरे बच्चों साफ सुथरा रहने वाले लोगाना और सेहतमंद होते हैं अल्लाह साफ सुथरे लोगों को पसंद करता है हर नमाज से पहले वजू करने से और जिसमानी सुकून मिलता है और थकावट इंसान की दूर हो जाती है सफाई के बास इंसान बीमारियों से महफूज रहता है इबादत और काम करने में लुत्फ आता है काम करने की सलाहियत इंसान में बढ़ जाती है इंसानी शख्सियत में निखार पैदा होता है तहारत से ज़ाहरी सफाई भी हासिल हो जाती है और रूहानी सफाई भी हासिल हो जाती है हौसले कलाम मेरे बच्चों इस्लाम सिर्फ जिसम जगह लबास पाक रखने पर जोर नहीं देता बल्कि हम अगर तहारत इस्लाम का इम्तियाजी निशान है रसोले पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत तफसील के साथ पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत तफसील के साथ तहारत और पकीजगी के अहकाम बताए हैं तरीका तरीके समझाए हैं और खुद अमल करके दिखाया है बस हर मोमिन के लिए बस बस हर मोमिन और मुसलमान पर लाजिम है कि वो इन अहकाम को समझे और उनके मुताबिक अपने जाहिर और बातिन को पाक साफ रखने की कोशिश करो करें और मेरे बच्चों इसी तरह ये हमारा आ, सबक जो है मुकम्मल हुआ और मेरे बच्चों किसी का कोई सवाल है तो वो अपना सवाल कर सकता है किसी बच्चे का कोई सवाल है तो अपना माइक ओपन करें आज के हवाले से वो क्वेश्चन कर सकता है मैंने आपको अलाउ कर दिया है आप अपना माइक ओपन करें और मेरे बच्चों आप लोग सवाल कर सकते हैं जी मेरे बेटे से क्या मुराद है मसनून ये सुन्नत की जमा है मेरे बच्चे मसनून सुन्नत वाहिद है और मसनून उसकी जमा है सुन्नतों जी मेरे बच्चे इसका लफ्जी माना होता है नबी पाक का तरीका सुन्नत का और मेरे बेटे जी मेरे बच्चे किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है कि आज हमने दो सवाल पढ़े वज़ू का तरीका बयान किया वजू की अहमियत वुजू के फराइज और वुजू का मशनून तरीका हमने जाना दूसरा तीसरा सवाल हमने पढ़ा गुसल का तरीका बयान करें इसमें हमने गुसल का मानव मफहम पढ़ा गुसल के फरज पढ़े गुसल करने का मसनून तरीका पढ़ा और किन मौकों पर गुसल करना सुन्नत होता है वो हमने पढ़ा गुसल के आदाब पढ़े और गुसल के फवायद हमने पढ़े ठीक है मेरे बच्चे कल तक के लिए अल्लाह हाफिजी नमाज पढ़ ली तो, बेटे।, है अगर अगर है, तो करना है। बेटे अगर आपने गुसल करने से पहले वजू वजू कर लिया था तो आप बाहर निकलकर कपड़े पहनने के बाद वजू करने की जरूरत बाकी नहीं रहती अगर मसनून तरीके के मुताबिक आपने गसल किया तो फिर दोबारा वजू करने की जरूरत नहीं रहती अगर आपने सिर्फ गुसल के तीन फर्ज अदा किए हैं और उसके बाद आप लोग दोबारा वजू करेंगे नमाज के लिए जी मेरे बच्चे ठीक है मेरे बेटे ओके अल्लाह हाफिज असल वरहमतुल्ला